नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे टॉप 25 की। कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। देश में तीन महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए, जो कि साल में एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या भी है। दिल्ली में बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे। उनका शव दिल्ली स्थित उनके निवास में फंदे से लटका मिला। मौत के कारणों का फिलहाल सटीक पता नहीं चल पाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर शराबकांड में नाम आने के बाद से ही बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय लगातार सफाई दे रहे हैं कि उनका उनके भाई के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस परिसर से शराब बरामद हुई थी वो उनके भाई के नाम पर है, जहां कोई और किराए पर स्कूल चलाता था। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर मंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल और असम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट एक ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई। ये कार एनआईए की टीम ने बरामद की है। उस संदिग्ध कार से कई और नंबर प्लेट भी मिली है। वो काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी, जिसे एनआईए ने कब्जे में लिया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अजान से नींद में खलल पड़ने का मुद्दा उठाया है। वीसी डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत पुलिस और जिला प्रशासन से की। वीसी ने कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अधिकारियों से चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से कहा है कि चुनाव आयोग की छवि को खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो ऐसा क्यों कर रही है उनको ही पता होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को खत लिखा और उनके साथ हुई घटना और चुनाव आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर उन्होंने सवाल उठाए थे। श्रीनगर में कुछ नकाबपोश लुटेरों ने एक बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने ग्रामीण बैंक में डाका डालकर 2,42,000 रुपए लूट लिए। नासा समय समय पर अंतरिक्ष से जुड़े रहस्य को फोटोज और वीडियोस के जरिए लोगों तक पहुंचाता रहता है। हाल ही में जारी विशाल ब्लैक होल की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। नासा द्वारा जारी की गई इस तस्वीर पर लोग जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में हुए डबल मर्डर को दिल्ली पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि रोडरेज के कारण यह घटना हुई थी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज ही पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस ने पाया कि हमलावरों ने एक या दो नहीं बल्कि चाकू से 40 वार किए थे। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQAir ने साल 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत का नाम तीसरे नंबर पर आया है, जबकि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में दिल्ली को चुना गया। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के द्वारा जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाने की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी जिलों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई के विशेष CBI अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कत्ल की कोशिश के एक मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साल 2013 में एक सट्टेबाज अजय गोसलिया को मारने की कोशिश के लिए उसे अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। दिल्ली पुलिस ने भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले और भोजपुरी फिल्में बनाने वाले कलाकार समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये दोनों गाड़ी चोरी करते थे और साथ ही लोगों को नकली नोट थमाकर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि सीएम योगी असम के दौरे पर हैं, जहां वो 3 चुनावी शंखनाद के साथ साथ चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं। अमेरिका के जॉर्जिया के 3 स्पा सेंटर में फायरिंग की गई। जॉर्जिया के अटलांटा के 3 स्पा सेंटर में हुई फायरिंग में 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई। स्थानीय पुलिस और मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी बायोटेक फर्म मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि कंपनी ने बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का यह ट्रायल 6 महीने से लेकर 12 वर्ष के आयु वर्ग के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में इस बात की जानकारी दी। यूपी की टावा में दबंगों का बेरहम चेहरा देखने को मिला। जो एक शख्स को उसकी मजदूरी देने की बजाय दबंगों ने उसे सजा दी है। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दबंगों ने उसे काफी देर तक बंधक बनाकर रखा और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से गायब रही एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अब जबरदस्त अंदाज में वापसी की है। बता दें कि तनुश्री ने 18 महीनों की कड़ी मेहनत और डाइट के जरिए एक बार फिर खुद को परफेक्ट बॉडी में ढाल लिया है। तनुश्री ने अपने आप को फिट बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर राज्य को आगाह किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और केंद्र सरकार की टीम ने पिछले हफ्ते स्थिति का जायजा भी लिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर ने अपनी कुछ ही फिल्मों से इंडस्ट्री में खासा पहचान बनाई है। आने वाले कुछ वक्त में एक्ट्रेस चंडीगढ़ करे आशिकी में दिखेंगी। वाणी ने बताया कि वैसे तो फिट रहने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए मुझे और काफी मेहनत करनी पड़ी।
उर्वशी रौतेला का सोशल मीडिया पर खूब बोलबाला रहता है। हाल ही में उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी फोटो शेयर की है जिसने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है। बता दें कि उर्वशी ने क्रिकेटर स्टार विराट कोहली की एक फोटो शेयर की है जिसमें विराट रसोई में बड़े ही ध्यान से चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उर्वशी ने फोटो के साथ अपने फैंस से मदद भी मांगी है। बैडमिंटन कोर्ट में भारत के एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज बुधवार के दिन साइना 31 साल की हो गई हैं। साइना का जन्म साल 1990 में आज ही के दिन हरियाणा के हिसार में हुआ था। बैडमिंटन के खेल में साइना ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। वो विश्व रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर का खिताब पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रही हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड को इंडिया ने 157 रन की चुनौती मिली थी। इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 18.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर ने 83 रन की पारी खेली। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। चाइनीज ऐप स्टोर्स ने अलीबाबा ग्रुप के मोबाइल के लिए यूजी ब्राउजर को हटा दिया है क्योंकि ये अयोग्य कंपनी द्वारा मेडिकल विज्ञापनों को शामिल करने के लिए चीनी सरकारी टेलीविजन के वार्षिक उपभोक्ता अधिकार शो पर आलोचना की गई थी। और टॉप 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।